सुसाइडल थॉट्स आते थे? एब्सोल्युटली आई डिड ट्राई टू कमिट सुसाइड। अवार्ड्स को लेके एक चीज बहुत चलती है कि अवार्ड्स अब बिकने लगे। अब क्या बहुत साल से पहले बिकते हैं? शाहरुख खान ने तो मतलब आके ऊपर बोला था कि मैं तो अपने सारे अवार्ड खरीद लेता हूँ। तो जब मुझे हग कर रहे थे, यू नो द काइंड ऑफ टच, यू कैन फील दैट, एंड आई फेल्ट सो अनकंफर्टेबल। आई वाज लाइक, ये बंदा सुपरस्टार, इसको क्या जरूरत है ऐसे करने की। बड़ी हुई तो मेरी दादी गुजर गई, तो उनको सब पागल पागल कहते थे, और वो या उनमें जिन है, वो उनमें घोस्ट है, ऐसे उनको पजेस कहते थे। ध्यान में मैं श्रीदेव जी की बड़ी एक्टिंग करती थी। नाम मेरा दिल कर लिख कर तुमने बात बना ली है, तुम्हें क्या पता? अरे तुम्हें नहीं पता। खाना बनाते हो? बहुत कम। क्या बनाते हो? अंडा। So I love interior, I love chandeliers, I love perspective. मुझे staircases बहुत पसंद है, चढ़ना उतरना नहीं। कौन सी चीज़ है जो 150-200 रुपए वाली है, कोई 1.5-2 हज़ार या 1.5-2 लाख वाली है? 200 यूरो कह सकती हूँ, 150 रुपए नहीं कह सकती। शमा सिकंबर। करण, what you doing? कितने पैसे हैं तेरे पास? करना क्या? यार मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, अभी लाख रुपए मिलेगा क्या? अच्छा, आपके घर में अभी तक जितनी बात हुई, जितना घर देखा ना, विदेशी चीजें बहुत सारी। हाँ। सबसे देसी चीज इस घर में? सबसे देसी मैं ही हूँ। हुस्न तेरा तौबा तौबा तौ। सोच रहे हो ना ये क्या कर रहा है अविनाश, फिर से गाना क्यों सुना रहे? लेकिन आज मैं आपको जिनके घर ले जाने वाला हूँ ना भाई साहब, उनको देखते ही हर दिल बस यही कहता है, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। ये जितनी खूबसूरत है उनका घर भी उतना ही खूबसूरत है। किसके घर हूँ? मैं हूँ शमा सिकंदर के घर। Are you excited? Let's do knock knock. What's up? How are you? Welcome, welcome. How are you? Good. How are you? Same. Good. Please come on in. तो मैं इन लोगों को बता चुका हूँ कि आपका घर बहुत ब्यूटीफुल है। अरे बट इन लोगों को देखना है। अरे so sweet. और एक चीज मैं आपको बताता हूँ जी, अब क्योंकि मैं आपके घर पहले आ चुका हूँ, तो मैंने आपके घर में कुछ चिट्स रखे हैं। अच्छा, पता कहाँ रखे हैं? वो अलग अलग जगहों पे रखे हैं, और जैसे जैसे हम आपके घर के अलग अलग पोर्शंस में जाएंगे, विल टॉक अबाउट घर, विल टॉक अबाउट चिट्स। ओके, शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग, यस, लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हम कौन से पोर्शन में, मतलब यहाँ बैठेंगे, तो यहाँ बैठेंगे? आई थिंक आई शुड शो यू माय लिविंग रूम। यस, ये हमारा लिविंग स्पेस है। ओके, जहाँ पर हम सारे दोस्त, जब जो भी हमारे मेहमान आते हैं, वो सब यहीं पे बैठते हैं। सो दिस इज आवर लिविंग एरिया। यू वांट टू सिट हियर? यस। या, लेट्स सिट हियर। ये जो बहुत खूबसूरत पोर्ट्रे है पूरा जी, व्हाट इज दिस? ये इसके पीछे का थॉट प्रोसेस किसका है, आपका है या? एक्चुअली मेरे हस्बैंड और मैंने दोनों ने ही, मुझे इट केम फ्रॉम मी के मुझे बड़ा अमेरिकन यूरोपियन सा घर बनाना था। ठीक है। और मुझे लाइट बहुत पसंद है। ठीक है। तो घर में जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी लाइट है। एग्जैक्टली, राइट, लाइट है। तो हाँ, तो हमारे वी आर वेरी लकी कि हमको ये बड़ी विंडोज मिली यहाँ पर, जो बॉम्बे में बहुत रेयर होते हैं। एग्जैक्टली। सो एंड वी गॉट रियली गुड, यू नो, हाइट। तो मैंने कहा यार ये तो बनाना है। सो आई डिड ऑल वाइट एंड आई हैड दिस ब्लैक एंड वाइट थीम इन माय माइंड। तो ये एक्चुअली इंस्पिरेशन मुझे रॉल्फ लॉरेन के वहाँ से मिली। आप जब भी उनकी आर्किटेक्चर देखेंगे, इंटीरियर देखेंगे, उनमें बहुत सारी आपको फ्रेम्स मिलेंगे ब्लैक एंड वाइट। तो हमने ये कुछ तस्वीरें पहले तो सोचा बनाएंगे। हाँ। उसके बाद में बनाते बनाते फिर मैंने कहा ऐसे ही कोई तस्वीर क्यों लगाएं। हाँ। कुछ ऐसे ही लगाते हैं जो मतलब जो हमसे रीज़न करे। Exactly. जो हम हैं, जो हमारी पर्सनालिटी को आगे दिखाए। सो आई लव इंटीरियर, आई लव शैंडेलियर्स, आई लव पर्सपेक्टिव। मुझे स्टेयरकेसेस बहुत पसंद है, चढ़ना उतरना नहीं। मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है और मुझे फ्रीडम बहुत पसंद है। सो यू कैन सी दिस फ्री गर्ल रोमिंग अराउंड इन अ वेडिंग आउटफिट, मतलब केयर फ्री। और म्यूजिक बहुत पसंद है मुझे, मेरे हस्बैंड दोनों को। ठीक है। तो किस किस तरह का म्यूजिक ज्यादा सुनते हैं? हम यार हर एक तरह का सुनते हैं। वी आर ही लव्स रॉक, व्हिच आई हेट। आई एम नॉट एट ऑल रॉक मेटल पर्सन, बट आई लव सॉफ्ट रॉक, आई लव रोमांटिक सॉन्ग्स, आई लव सम स्पिरिचुअल म्यूजिक, आई लव बॉलीवुड, कामिंग बॉलीवुड। आजकल मुझे बॉलीवुड अनप्लग बहुत पसंद है। कोई कोई गाना जो इस वक्त सुन रहे हो? ओह गॉड, ज़हन में आ गया एकदम से?
बॉलीवुड का गाना नहीं, रिसेंटली मैंने बड़े ज़्यादा गाने नहीं सुने हैं, बट ऑफकोर्स एनिमल के गाने बहुत ही प्यारे थे, तो आई थिंक उसके गाने मैंने बहुत सुने. अभी कोई एक अच्छा सा गाना चल रहा है, आई थिंक मेरी रील्स पे मेरी टीम ने लगाया, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, स्त्री का गाना है, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. तो ऐसे मुझे सॉफ्ट वाले गाने पसंद हैं. तो ये जितनी पेंटिंग्स हैं, या ये सोफ़ा है, या कुशन कवर है, या ये कैंडल है, जितनी चीज़ें भी दिख रही हैं अब हमें और देखेंगे, इनमें से स्ट्रीट शॉपिंग वाली कितनी है? कौन सी चीज़ है जो 150-200 रुपए वाली है, कोई 1.5-2 हज़ार या 1.5-2 लाख वाली है? स्ट्रीट शॉपिंग है लेकिन 150 वाली नहीं है. मतलब भाई साहब स्ट्रीट शॉपिंग भी महंगी वाली है, ठीक है? 200 यूरो कह सकती हूँ, 150 रुपए नहीं कह सकती. ये जो मैंने घर जब बनाया, इनफैक्ट जब मैंने अपने दोस्तों को पहली बार बुलाया तो मेरा दोस्त आए और वो लोग मुझे तो बैठने में भी डर लग रहा है. He's like, why? What's wrong? He's so posh. Exactly. वो वाइब जो हम लोग बात कर रहे थे ना, वो है. But actually मैंने सोचा नहीं जब मैं बना रही थी, मुझे बस एक black and white घर. कितने BHK है ये घर? This is a 4 BHK. Yeah. Okay. And a nice spacious kitchen. तो ये मैंने अभी renovate किया है. इसके पहले मेरे घर का look थोड़ा अलग था. अलग था. तो जब वो लोग आए तो तू बैठ ही नहीं पाते, हाथ भी लगाते तो ऐसे लगाते कि क्षमा तेरे ये DNG के कुछ खराब नहीं हो. So I laugh at them. I said, तुम लोग चिल करो यार, ऐसे मत करो, you make me feel like मैंने क्या बता दिया. ठीक है, जैसे हम लोगों ने चिट्स की बात करी थी, तो मेरे को एक चिट वहां पे रखा दिखता है. यस यार, तुमने कब लगाया ये सब चोरी छिपे? बस कर लेते हैं. हां, मतलब सो दिस इज फॉर यू, द फर्स्ट चिट. किसी को घर में ऐसे घुसने नहीं देना चाहिए, जगह-जगह चिट्स लगा देते हैं. हम घुस जाते हैं भाई साहब. ट्रोल इन सोशल मीडिया, ऑफ कोर्स. तो मैं अभी यही बात कर रहा था कि सोशल मीडिया पे आपके फोटोज एंड वीडियोस बहुत वायरल होते हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं, बट उसी का एक कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है या नेगेटिव एस्पेक्ट है, ट्रोलिंग. वो भी दिखती है. डज दिस बॉदर यू कि बैक ऑफ द माइंड कहीं कुछ चल रहा है, और यू डिडंट गिव अ शिट कि करते रहो भाई तुम, बिकॉज़ ये तो बेचारे सच भी नहीं लिखते हैं. क्यों? कि जो लिखते हैं वो तो कुछ भी लिखते हैं, उसका कोई रियल मतलब नहीं है. मतलब ना ये मुझे जानते हैं, अग्री, राइट, और ना ही मेरा इनसे कोई लेना देना है. मैं इनको जानती भी नहीं हूँ. उनके अगर आप मोस्टली पेजेस देखेंगे तो पता नहीं कोई नाम फर्जी नामों से इन्होंने अपने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स बनाए. तो जिसको आप जानते ही नहीं है, जिसकी अंदर इतनी करेज ही नहीं है कि वो खुद की शक्ल दिखा के आपको बोले, तो उससे क्या ही बेचारे से मतलब मैं नहीं टाइम पास कर, मतलब ये टाइम वेस्ट है मेरे लिए. तो और इनफैक्ट मैं खुद ज़्यादा सोशल मीडिया पर जाती ही नहीं हूँ. मेरी टीम बहुत अच्छा काम करती है. लोगों को लगता है अरे तुम दुबई थी, अभी यहाँ क्या? भाई मैं तो यही हूँ. वो टीम कर रही है जो कर रही है, कर रही है जो भी पुराने फोटोज लगा रही है. ओ, हमें लगता है तुम सारे दिन घूमती रहती हो. सो आई से अच्छा है ये भ्रम, अच्छा है, बिकॉज बने रहना जो जो मैं हूँ मैं 24 घंटे दिखा नहीं सकती, बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम दैट एरा एंड आई डोंट इवन फाइंड इट राइट. और जितने भी लोग थोड़े बहुत है ना जो ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई फर्क नहीं पड़ता है, देख ही नहीं रहे हो तो करते रहो जो तुम्हें करना है. ये तो आपने अपने घर का मेरे को पोर्शन दिखाया, लिविंग एरिया दिखाया, तो पहले आप मेरे को बालकनी दिखाओगे जो बहुत रेयर है बॉम्बे में, आप सबको बता दूं. या, तो बालकनी या दूसरा पोर्शन? आई थिंक मैं आपको बालकनी से दूसरे पोर्शन में ले जाती हूँ. हमारी बालकनी हमें बहुत पसंद है क्योंकि मुझे प्लांटेशन बहुत पसंद है, गार्डनिंग बहुत पसंद है. यस, थैंक यू, आई फॉलो यू एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल व्यू आल्सो फ्रॉम हियर. सो meet my beautiful plants. Hey, what's up? I do talk to them every day. Okay. I mean, this is champa. This is hydrangea. This is hibiscus. Okay. And these are some exuras. And I love to have these colorful leaves. So मैं इनको भी अलग से एक मैंने इनका stay ये बना दिया पूरा set. Separate एक corner है जहाँ पर जब भी मेरा मन करे थोड़ा झूला लेने का हम झूल लेते हैं. अच्छा, यहाँ से? यहाँ से हम जाएंगे उस तरफ. So this is another part of our balcony. Wow. Yeah. जो this is like a small terrace come balcony जो आप बॉम्बे में terrace तो भी इसी को कह सकते हैं. So मुझे बोगनविला का बड़ा शौक है, तो आप देख सकते हैं थोड़े-थोड़े flowers आने लगे हैं अभी. ये पूरी आर्च बहुत ही European culture से again प्रेरित है. तो वो लोग यहाँ वहाँ gardening बड़ी सुंदर तरीके से करते हैं. So I had seen these tiles. और इस तरह के बोगनविला प्लांटेशन वहाँ बहुत, तो मैंने कहा मेरे घर में तो होना ही चाहिए. सो आई डिड दिस. ये पूरा एक साल लगा है इसको, अब ये बढ़ गया पूरा.
सो नाउ यू विल सी लॉट ऑफ बोगनविला फ्लावर्स. इसमें खुद मेहनत करते हो गार्डनिंग एंड ऑल जितना भी ये दिख रहा है प्लांटेशन. या 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 आई हैव अ माली बट आई आल्सो टेक पर्सनल केयर. मैं हर एक प्लांट के बारे में पढ़ती हूँ, उसकी स्टडी करती हूँ, किसको कितना पानी लगता है, किसको कितनी धूप लगती है, किसको कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है. Wow. बहुत सारी साइंस जाती है इनके पीछे. सो दिस इज आवर डाइनिंग एरिया व्हिच इज वेरी मच अटैच्ड टू द लिविंग स्पेस. हम लोग यहाँ से उस बालकनी में गए थे और वहाँ से हम लोग वापस आ गए इधर. तो ये फूल, ये पोर्ट्रेट और भी बहुत सारी चीजें, आधी चीजों के शायद मेरे को नाम भी नहीं पता है. तो उनके बारे में आप जरा मेरे को बताइए और जो देख रहे हैं उनको भी बताइए. तो ये हमारा डाइनिंग स्पेस मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत स्पेशल लगता है. ये जो चेयर है, दिस इज डिजाइन बाय अ वेरी वेरी बिग डिजाइनर, विजनर. ओके. एंड इट वाज अ वेरी इंट्रिकेट पीस ऑफ फर्नीचर टू गेट इन इंडिया. तो मैं इसके लिए आई वेंट टू चाइना. अच्छा, ये मतलब बाहर से आया है? ये सब बाहर से आया है. बहुत सारी चीजें मेरे घर में बाहर से आई हैं. आप जितना यहाँ देख रहे हैं, बिकॉज मैं ट्रैवल इतना करती हूँ, तो कुछ चीजें मैं उठा के ले आती हूँ. जो नहीं उठा के लाती वो फिर बाहर से लाते हैं. हाँ, बहुत सारी चीजें. और वो सोफाज मैंने खुद बनवाए हैं यहीं पे. अगर आपने देखा हो तो देयर दीस टू लैम्प्स जो हमारे यहीं इंडिया के आर्टिस्ट ने बनाई है. ओके. और मुझे बहुत पसंद है वो. एंड बुक्स, आई लव कॉफी टेबल बुक्स बिकॉज उनका लुक बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही अच्छा आता है. ऑल्सो आई लाइक टू रीड बुक्स, सो बुक्स हैं. अगेन यहाँ एनिमल पेंटिंग है. मुझे पेंटिंग नहीं है, इट्स अ फोटो आर्ट. मुझे ये जो आर्टिस्ट हैं इनका काम बहुत पसंद आया, क्योंकि उन्होंने सब एनिमल्स पे ना, किसी को कैप बना दिया है, किसी को जैकेट बना दिया है. सो दे लुक लाइक ह्यूमंस बट दे आर नॉट, दे आर एनिमल्स बट दे लुक सो स्मार्ट. सच ए कूल आर्ट. तो ऐसे हैं. और कुछ ये पीसेस हैं जो मैं यूएसए लाई थी. इन सम एग्जीबिशन दे हैड दीज ब्यूटीफुल पीसेस एंड आई, यू नो, दिस रिमाइंडेड मी ऑफ मी एंड माय हस्बैंड बिफोर वी मेट. हाउ? जरा एक्सप्लेन करिए. तो हमने बॉलीवुड फिल्में बड़ी देखी हैं. और बॉलीवुड फिल्मों में जब पुराने जमाने में वो फिल्में बनाते थे कि हम छोटे थे तो हम वही फिल्में देखते थे 20 साल बाद. और पुनर्जन्म की फिल्में, तो मुझे लगता था कि मेरा कोई पुनर्जन्म का मेरा साथी है जो आएगा इस जन्म. Okay. तो मैंने बड़ी पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करी उसके लिए. और मैंने देखा एक बंदे को. तो जब मैं उस वक्त थी तो मुझे लगता था कि मैं कहीं नदिया किनारे बैठ के उसके लिए गाना गा रही होगी और वो कहीं बैठ के गाना गा रहा होगा. मैं मदर से लाफ, मैं कितनी बॉलीवुड है मेरी बेटी, कितनी फिल्में देखती है, बिकॉज आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ फिल्म्स. सो ये मुझे उस विजन की यू नो याद आए. और बैठे हैं और करेक्ट. हाँ, असल में एक दूसरे के बारे में पिक्चर कर रहे हैं. एक दूसरे की ख्वाहिश कर रहे हैं, एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने ख्यालों में ढूंढ रहे हैं. इसके बीच में मुझे बहुत खूबसूरत सा फोटो दिखा. जी जी जी, दैट इज फ्रॉम आवर वेडिंग एक्चुअली, प्री वेडिंग शूट इन गोवा. एंड वेरी सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, मुझे बहुत पसंद है. ठीक है जी. सो ये जेम्स और मैं, हम गोवा के किसी बीच पे रोमांस कर रहे थे, वहाँ की फोटो है. Beautiful. Flowers, I like flowers. ये कुछ मुझे ये वाला फ्लावर. ओह, देखो यहाँ पर भी तुमने छुपा के रखी है ये. Yes. Lovely यार, ये तुम्हारी ट्रिक बड़ी अच्छी है ना. Truth and dare. I like. Okay. Like truth and dare. So choose any one thing, either truth or dare. 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 Call any your friend and ask for money. कि bro, I need 1 lakh money. Can you send me? It's like it can be 50,000, 5,000, 500, any amount. My कौन है मेरा अमीर दोस्त जो मुझे पैसे दे सकता है? Where's my phone? Me call Karan. I hope he picks up my phone. Who? Karan Grover. Karan Grover. Okay. Karan V Grover. Okay. On speaker, please. तभी तो मजा आएगा. Shama Sikambar. Karan, what you doing? Just had lunch, yo. Wow. कितने पैसे हैं तेरे पास? कितने पैसे हैं? हाँ. करना क्या है यार, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी. अभी लाख रुपए मिलेगा क्या? अभी का अभी लाख रुपए तो मैं तेरे को कितने दिन के लिए चाहिए? मतलब थोड़े दिन में दे दूंगी तेरे को. हाँ. बट अभी किसी को देने थे मुझे तो 1 lakh rupees अगर होगा तेरे पास तो प्लीज भिजवा देना मुझे. मैं तेरे को 50 जीपे कर सकता हूँ फॉर श्योर. 50 कर सकता है? जीपे कर सकता. 50 फिर और कभी हो जाएंगे? ये महीने तो नहीं होंगे क्योंकि मेरी क्लियरेंसेस 15 को आती है. ओह अच्छा.
ठीक है ठीक है, तू 50 भेज दे मेरे को, मैं तेरा मेरा नंबर वगैरह तेरे को भेज दूँ। तेरा नंबर, मेरा नंबर तो है ये तेरे पास, तो यू कैन डू जीपे पे वही नंबर है ना? हाँ सेम नंबर है, सच बता दो भेज दूँगी। दे मिल गए मुझे, आई एम ऑन दिस शो कॉल्ड बॉलीवुड बफर, दे आर आस्किंग मी टू डेयर टू आस्क माय फ्रेंड मनी। चल ठीक है, लव यू, थैंक यू, बाय बाय बाय। चलिए मैं आपको पहले अपना सबसे बेहतरीन हमारा डेन दिखा दूं। ओके, डेन, दिस इज द डेन ऑफ अ डॉन। वो इसका वाइब बहुत अलग है। यस बहुत क्या अलग है इसमें, हर एक चीज अलग है। जैसे आपने वो बाहर देखा सब व्हाइट है, दिस इज ऑल ब्लैक। ब्लैक, सो हम बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं दोनों में और मेरे हस्बैंड, और हमें लगता है कि वो हम जैसे जैसे स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं, ग्रो होते हैं, हमारी चीज़ें भी वैसे वैसे स्पिरिचुअली अपने आप ही वो रंग ले लेती हैं, अपने आप ही वो शेप ले लेती हैं। सो इस रूम को बनाते वक्त हमने नहीं सोचा कोई स्पिरिचुअल तरीके से, बट जब वो बन के आया तो इस रूम में इतने हमारे गहरे गहरे कॉन्वर्सेशन होते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। कोई दोस्त आते हैं, दे जस्ट शेयर देयर लाइफ हियर विद अस एंड दे ऑलवेज लाइक, अरे यार तुम्हारे इस घर में कुछ है, इस कमरे में कुछ है। और किसी कोई बॉम्बे में काला रूम बनाता नहीं है, तो मैंने जब अपने पेंटर से कहा कि भाई मुझे काला कलर चाहिए, तो उसको तो बेचारे को समझने में 2 महीने लगे, बिकॉज वो मुझे ग्रे का हर शेड उसने दिखा दिया लेकिन उसने काला नहीं दिखाया। ऐसे तुम्हें क्या परेशानी है, तुमसे काला कलर मांगी, मुझे काला कलर करके दो। मैडम काला कलर कौन करता है कमरे में, मैंने कहा मुझे चाहिए, तुम करके दो ना। सो आई हैड सीन दीज लॉन्ग कर्टन्स, इफ यू कैन सी, ये मेरे 300 किलो के कर्टन्स। What? Yes. I need yeah, to check. You need to check. Yeah. They're heavy. They don't look like they're heavy, but they're heavy. Okay. Sach mein 300 kilo? Yeah. They're made of jeans. Wow. अच्छा आपके घर में अभी तक जितनी बात हुई, जितना घर देखा ना, विदेशी चीजें बहुत सारी है ना, फॉरेनर, क्योंकि क्योंकि लुक ही वैसा है इसका। बट मेरे को ये जानना है, या अभी जब हम लोग जाएंगे और बाकी घर, सबसे देसी चीज इस घर में क्या है? सबसे देसी मैं ही हूं इधर। सबसे बड़ी चीज देसी मैं ही हूं इधर। और मेरे अवार्ड्स होंगे। हाँ अभी अवार्ड्स पे भी बात करेंगे। घर का ये वाला पोर्शन के बारे में भी कुछ बताइए। तो ये जेम्स का वर्क स्पेस भी है। ओके, तो यहाँ से वो बहुत अपना ये आप उनकी वर्क डेस्क है, यहाँ से वो अपना सारा काम करते हैं। वहाँ हमारा एक छोटा सा बार है। तो जब क्या पीना पसंद करते हो आप? हम तो कुछ ज्यादा पीते नहीं है, लेकिन हम सब स्टॉक करके रखते हैं। दिस इज अ टेकीला। ओके, सो वी अगर यू नो वी आर मोर ऑफ टेकीला ड्रिंकर्स, सो टेकीला इज अ क्लीनेस्ट ड्रिंक टू लेट यू नो। वैसे तो टॉक्सिन नहीं डालने चाहिए बॉडी में, लेकिन अगर डालने हैं तो टेकीला इज अ सेफ। कभी कभार हाँ, तो वी हैव दिस। ये मोस्टली हम शो पीसेस के लिए हमने खरीदे है, क्योंकि ये बड़ी कूल है और जेम्स को स्कल से बहुत प्यार है। ओके, उनको लगता है कि मतलब जमीन से आए और जमीन में जाओगे, सो डोंट कीप दैट ईगो। सो आप देखेंगे बहुत सारे स्कल्स हैं हमारे यहाँ। ये भी देखो, ये भी एक है। सो ये भी कहीं बाहर से ही होगा, आई एम श्योर। ये भी लंदन से लिया है मैंने, ऐसा वादा, लंदन यही पड़ा है, मैं बता रहा हूँ। ये जो है जेम्स ने खुद एक्चुअली प्रिंट करवाया है। ये फर्स्ट 2 सिल्वर डॉलर का, जो दुनिया में पहला डॉलर जो इन्वेंट हुआ था, $2 का ये फर्स्ट प्रिंट आउट है। तो ये उन्होंने बनवाया है। वो आप वहाँ फ्लेमिंगोज देख रहे हैं, मुझे फ्लेमिंगोज बहुत पसंद है। तो वहाँ उनकी गिटार भी रखा है। Do you play? James और James. James plays guitar. उनको बड़ा शौक है। आप अगर नीचे देखें तो उनका पूरा सिस्टम है, दैट्स द इलेक्ट्रिकल गिटार सिस्टम। तो वो जैसे मैंने कहा वो रॉक बहुत पसंद करते हैं, तो जब मैं रात में सो जाती हूँ तो ये दरवाजा बंद करके रॉक म्यूजिक बजाते हैं, ताकि मुझे पता भी नहीं चले कि ये हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि जब मुझे पता चला कि उन्हें रॉक पसंद है, मैंने कहा हाउ डिड आई लाइक यू इफ यू लाइक रॉक, इट्स लाइक इज दैट अ प्रॉब्लम, कहाँ गया पुनर्जन्म तुम्हारा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मेरे पति को रॉक पसंद है, मुझे तो नहीं पसंद है रॉक म्यूजिक, तुम्हें कैसे पसंद है। सो इट्स लाइक हाउ यू नॉट लाइक रॉक, आई लव द पैशन, इज ए घंटा पैशन, उसमें कुछ पैशन नहीं है। मैंने कहा ऐसा लग रहा है लोग अपना सर पटक रहे हैं, मतलब म्यूजिक के नाम पे वो धब्बा है, दैट्स माई ओपिनियन। बट with all due respect to every artist, being honest is a good thing. Yeah, I mean that's what I feel. Apple. अरे आपने यहाँ पर भी चिट रखी है, देखो भाई, जगह जगह चिट। Cinema. I love cinema. Let's talk about cinema. बताइए. आपकी memories cinema के साथ, पहला audition, पहला casting, पहला गंदा casting, पहला वो दें मतलब गंदा experience. हाँ हाँ हाँ. कि हर कोई उतना अच्छा नहीं होता, obviously हमारी industry में तो बिल्कुल नहीं. Of course. I think हर जगह ही होते हैं अच्छे बुरे लोग. और जो भी like आपका
कहाँ से कनेक्शन शुरू हुआ सिनेमा के साथ कि एक्टर बनना है? सो मेरे पिताजी को बहुत शौक था सिनेमा, मेरे दादाजी को भी बहुत शौक था, वो हर हफ्ते फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने चले जाते थे। मैंने ऐसे ऐसे किस्से सुने हैं, मतलब हम हंस हंस के लोट पोट हो गए हैं उनके किस्से सुन के सिनेमा के। और मेरे पैदा होने में भी बहुत तकलीफें आई मेरी मम्मी को, मतलब आई वॉज लाइक अ केस कि या तो ये जाएंगी या ये तो या तो बच्चा जाएगा, ऐसा ऐसा हो गया था। बिकॉज आई वॉज अ 10.5 month बेबी। सो इट्स नॉट अबनॉर्मल बट इट हैपन्स you know sometimes when the baby is there and you don't come to know. 10.5 mahine ki bachchi mein paida hui thi, so I was very big inside. To unko badi takleefein aayi, to this is jab aap paida hui to aapke dadaji ne kasam khayi thi ki agar meri pehli beti hui bete ko to main sab chhod dunga bhagwan aur main matlab ya allah main tera peer ban jaunga, main bas yahi karunga unke kadmon mein jo bhi hai. Ha to wo itne matlab namazi aur itne wo ho gaye the aur मैं गई आई कॉन्ट बिलीव एन आई हियर दादाजी की किस्से कि वो उलट पलट करके रिक्शा उलट पलट हो जाए कुछ भी हो जाए वो पहला शो पहला दिन देखेंगे। फिर मेरे अब्बा भी ऐसे थे तो सिनेमा का शौक सबको है, मतलब मैं बचपन से हमारा केबल था पूरे हमारे छोटे से शहर में, मकराना से हूँ मैं और बड़े फेमस थे हम। मेरा नाम बड़ी गहरी जड़े हैं आपकी, मतलब दादाजी अमीर इंसान पूरा केबल वो चल रहा है। सो मेरे नाम से वो दुकान थी शमा रेडियो एंड सेंटर समथिंग। ओके, तो मैं आज भी है वो? नहीं अब तो नहीं है। अच्छा। बट मैं जब छोटी थी तो मैं वैसे ही बहुत फेमस थी गांव में, बिकॉज एक ही दुकान थी और जहाँ मेरे अब्बा मेरे डैडी से अभी यहाँ पे नहीं होती है इलेक्ट्रॉनिक की बड़ी बड़ी शॉप से विजय सेल्स से कोहिनूर है, दैट वाज वी वर दैट इन आवर विलेज शमा रेडियो एंड सेंटर, पता नहीं क्या आई एम फॉरगेटिंग द नेम। सो माय फादर वाज वेरी पॉपुलर, आई वाज वेरी पॉपुलर, अ वेरी वेरी लव्ड चाइल्ड, वेरी सेलिब्रेटेड। सो दैट्स हाउ दिस होल आई थिंक सिनेमा का भूत वो बचपन से खानदानी है हम में। सो दैट्स हाउ सिनेमा का भूत चढ़ गया। और फिर पापा को तो था ही, बट पापा को मेरी फिल्म इंडस्ट्री में आना था बट मेरे दादाजी ने उन्हें मना कर दिया। फिर जब ही बिकेम वेरी रिलीजियस देन ही वाज लाइक नो नो बेटा दिस इज नहीं जाओ ये वो सब। सो दिस इज हाउ वी बिगेन। एंड जब मैं पैदा हुई तो मैं तो इतनी फिल्में देखती थी कि और बचपन से मुझे बड़ा शौक था नरेट करने का फिल्म। आई थिंक आई एम अ गुड नरेटर। सो मैं बचपन से आती हूँ, मैं सबकी एक्टिंग कर करके सारे डायलॉग मुझे याद रहते थे और जो लोग फिल्म थिएटर में जाके नहीं देख सकते थे या वो आपको देख के एंटरटेन हो रहे हैं, मुझे देख के पूरे एंटरटेन होते थे। सो ऐसे बच्चों के ऐसे टेली लगती थी और आई वॉज द मेन यू नो क्या कहते हो मैं उनका एंटरटेन। कुछ एक प्लीज करके दिखाओ, प्लीज कुछ भी एक जो अभी याद में आ रहा है, कुछ कुछ एक करके दिखाओ। यार अभी तो याद नहीं आ रहा कुछ भी है। बच्चन, करीना, प्रियंका, वहीदा जी, कोई भी, हेमा मालिनी, जो 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 क्लिक कर रहा ज़हन में। ध्यान में मैं श्रीदेवी जी की बड़ी एक्टिंग करती थी। No, you're not gonna make me do that. नहीं तो उनके उनके बड़े गाने गाने वगैरह जो चांदनी के गाने थे, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन, बहुत मतलब बहुत बड़ी फैन। बता ही रहे हो, दिखा तो रहे नहीं है तो। No, तो I'll just mimic that song from चांदनी। क्या था वो? नाम मेरा दिल कर लिख कर तुमने बात बना ली है, तुम्हें क्या पता मैंने तो दिल के अंदर तेरी तस्वीर लगा ली है, तेरी तस्वीर लगा ली है, अरे तुम्हें नहीं पता। Superb. I'm doing this after so long. I'm so bad, but yeah, but forgive me, Shrinivi ji. ये शेड मैंने तो कभी नहीं देखा आपका। नहीं तो मैं बहुत मिमिक करती थी पहले। हाँ। अब मैंने बड़े साल से छोड़ दिया मिमिक करना, बट मैं बहुत अच्छी मिमिक करती थी, तो मैं ऑब्जर्वेंट बहुत हूँ। तो आई थिंक वही टैलेंट मेरे पापा ने देखा कि इतनी है, और व्हेन ही शिफ्टेड टू बॉम्बे तो वो उनकी मुलाकात बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर्स वगैरह से हुई, क्योंकि वो मार्बल बेचते थे। हाँ। तो शाहरुख खान से मिले, श्रीदेवी जी के यहाँ, इनफैक्ट कैन यू इमेजिन श्रीदेवी जी के पहले फ्लैट में मेरे पिताजी ने मार्बल लगाया है, जो लोखंडवाला में यहाँ उनका घर था। Okay. तो मैं उनके घर पे जा चुकी हूँ, उनकी मम्मी से मिल चुकी हूँ और मैं उनको छोटे से आई एम ह्यूज फैन ऑफ श्रीदेवी जी, तो वो मुझे ले गई उनके सेट पे गुमराह के सेट पे। एंड द फर्स्ट टाइम आई सॉ श्रीदेवी आई थिंक मुझे लगा मैं किसी एलियन प्राणी को देख रही हूँ, क्योंकि इतनी मेस्मराइजिंग पर्सनैलिटी थी वो। तो मैं तो बस हक्की बक्की रह गई बस। एम आई एक्चुअली सीइंग, आई वाज लाइक दैट एंड आई नेवर हैड दैट काइंड ऑफ क्रेज फॉर एनी अदर आर्टिस्ट अदर देन हर एंड मुमताज आंटी, एंड बोथ ऑफ देम, टुडे आई कैन कॉल अ मुमताज आंटी बिकॉज बोथ ऑफ देम केम इन टू माई लाइफ, बिकेम फ्रेंडली विथ मी, नॉट श्रीदेवी जी बट मुमताज आंटी, तो बिकेम फैमिली। हर यंगेस्ट ब्रदर इज माई वेरी क्लोज फ्रेंड, सो आई हैव गॉन विथ हर, आई हैव गॉन मेट हर इन लंडन, आई हैव हैड फूड, शी इज कुक्ड फॉर मी,
रेयर उन्होंने बनाया था मिर्ची का सालन जो उनका बड़ा फेमस है और बिरयानी मेरे लिए बनाया ही नहीं था मुझे खुद अपने हाथों से बिठा के खिलाया हुआ भी है आई टेक प्राइड इन दिस बिकॉज आई हर्ड शाहरुख खान कॉलिंग एट दैट टाइम एंड शी सेलिंग अरे मैं भी बिजी हूँ मेरे बच्चे को खाना खिलाने दो एंड आई फेल लाइक आई एम सो प्रेशियस आपका पहला ऑडिशन सो मेरे पिताजी ना मैं बहुत छोटी थी तब मुझे सिनेमा में उन्होंने डाल दिया उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बड़ी अच्छी एक्टर है उसको बड़ा पैशन है शौक है मुझे तो बिल्कुल नहीं भरोसा था कि मैं कुछ बन पाऊंगी मुझे लगता था मेरे पापा कहाँ ले आए मुझे यहाँ तो इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ आती है ऑडिशन देती है मैं तो मतलब आई वॉज वेरी यंग आई वॉज जस्ट लाइक 12-13 ईयर्स ओल्ड किड बट टू माई सरप्राइज आई वुड एक्सेल इन एवरीथिंग आई डिड एट दैट टाइम जो भी मैं स्क्रीन टेस्ट देती थी मेरे हर स्क्रीन टेस्ट इतने अच्छे जाते थे मोस्टली कि वो फिल्म किसी और वजह से मुझे नहीं मिलती थी वो अलग बात है लेकिन मैं सिलेक्ट बड़ी जगह हो जाती थी आई वाज ऑलवेज इन द टॉप 10 और टॉप 3 गर्ल्स ऑफ दैट क्लैन अब इतनी लड़कियां आती थी उस वक्त भी और बट सिलेक्शन हमेशा होता था मेरा और पहले के ज़माने में तो बहुत लोग ना कुछ भी बोल देते थे मतलब उनको कॉन्शियस नहीं था कि इस पर क्या बीतेगी कैसा लगेगा दे थॉट इट्स नॉर्मल टू से दैट दे थॉट कि किसी को हर्ट करोगे तभी वो स्टार बनेगा दैट वाज अ मेंटालिटी हमने भी कहानियां सुनी थी अमिताभ बच्चन जी की कि उनको ऐसे लोगों ने सुनाया वैसे लोगों ने सुनाया तो हमारी एस्पिरेशन भी यही थी कि बस ऐसे स्टार बनना है ऐसे सुपरस्टार बनना है मतलब जब तक आप रोड पे नहीं सोओगे फुटपाथ पे नहीं सोओगे ट्रेनों में नहीं चलोगे तब तक आप स्टार नहीं बनोगे सो दैट वाज अ वियर्ड लर्निंग ऑफ माय लाइफ एंड आई थिंक लाइफ इज लाइक दैट यूजुअली सो आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बात नहीं बन पाती थी क्या बोल के रिजेक्शन होता यार यू नो हम बड़े सीधे साधे थे राजस्थान के सादे गाँव से हमें मैनिपुलेशन समझ में नहीं आता था हमें घुमा फिरा के बातें करी भी समझ में भी नहीं आती थी हमको लगता था हम काम के लिए आए हैं तो हमको काम दे दीजिए हम अच्छा काम करते हैं तो काम दे दीजिए बट यहाँ पर इंडस्ट्री में और बड़ी सारी चीज़ें चलती हैं जैसे कास्टिंग काउच हो गया या जैसे मैनिपुलेशन हो गया या उनको पसंद है कि कोई लड़की आके उनसे ऐसे बात करे वैसे बात करे कुछ लोग नॉट एवरीबडी बट सम पीपल आर लाइक दैट एंड जब हम नहीं कर पा मैं तो इतनी छोटी सी बच्ची थी यार मुझे तो कुछ अकल भी नहीं थी इतनी यू नो एंड बट दे वुडंट हाइड दे वुडंट फील कि छोटी है कि बड़ी है दे वुड जस्ट से व्हाटएवर दे वांटेड टू से एंड अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज मेरे पिताजी जाते थे मेरे साथ तो बोल नहीं पाते थे कि पिताजी साथ में है तो कैसे बोलें तो वो फिल्म नहीं देते थे मुझे कि अरे यार इसका तो बाप इसके साथ घूमता है इसको फिल्म नहीं देना चाहिए सो लाइक दैट आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ फिल्म्स मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था yeah. बात कर रहा था yeah. चीज़ें देख रहा था समझने के लिए तो मैंने दो चीज़ें देखी एक तो वो किस्सा जब आप एक फिल्म से जो भी एक्स वाई जेड फिल्म थी उसके बाद आके कोई आपको बोल रहा है कि चेहरा अच्छा नहीं है हाँ मुझे एक बंदे ने बोला था कि तुम्हारे तो चेहरे पे कोई इनोसेंस ही नहीं है हाँ, तो और दूसरा कि अभी तक हम लोगों ने जितना जैसे आपने भी कास्टिंग काउच का जिक्र किया उस बारे में जितना सुना है वो मोस्टली प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स एंड ऑल के उससे होती है एक वाक्य आप ही ने बताया था जब एक कथित सुपरस्टार या बड़े एक्टर ने एक एड के दौरान थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया और ही हग्ड यू बट इन अ वेरी लाइक रॉन्ग मैनर या इन अप्रोप्रिएट वे में सो वो सीन था नहीं उसमें एंड आई थिंक ही रियली वांटेड टू हग मी फॉर सम रीजन एंड यू नो लोगों की वाइब होती है वैसी तो वो जब मेरे साथ शूट कर रहे थे तो उन्होंने जबरदस्ती बोला कि नहीं नहीं मैं काम करता हूँ मैं आऊँगा यहाँ से और मैं इसको मेरी बीवी को जो है ये गहने ज्वेलरी पहनाऊंगा और फिर मैं इसको ट्वर्ल करके इसको हग करूँगा तो जब वो मुझे हग कर रहे थे यू नो द काइंड ऑफ टच यू कैन फील दैट एंड I felt so uncomfortable. I've never had that before. I've worked with so many people, so many guy friends. They never made me feel that way. It was very shocking and weird for me. I was like, ye banda superstar hai, isko kya zarurat hai aise karne ki? You know, so it was a very, very, very shocking experience. Uske sath kabhi dobara kaam kiya? Nahin. उस बारे में कभी बात की नहीं बिकॉज़ उसी दिन एक ही दिन मैं मिली उनसे और यू नो उस और इतना एटीट्यूड था उनमें और वो इतने दिस समथिंग नॉट नॉर्मल एंड देन उसके बाद में मैंने खुद जिंदगी में मैं उनके साथ कभी काम नहीं करूंगी जब मैं स्टार बन जाऊंगी तब भी नहीं करूंगी ये मैंने ठान लिया था उसके अलावा कभी ऐसा हुआ सेक्सुअली किसी ने गलत तरीके से अप्रोच किया और फेवर्स नहीं नहीं बातें करने में बहुत लोग बोलते हैं जैसे मैं मेरे साथ ऐसा कम हुआ है बिकॉज मेरे एक फैमिली कोई मेंबर मेरे साथ रहता ही था हमेशा बट इनडायरेक्ट बातें बोलेंगे एक फिल्म थी मैं ऑलमोस्ट मैंने साइन कर ली थी बहुत बड़ी फिल्म थी तो उन्होंने मुझे मेकअप के सेट पे से मेरे चेहरे पे मेकअप भी लग रहा था और वो उन्होंने उसी टाइम मुझे बोला कि नहीं नहीं आज आपकी शूटिंग कैंसिल है एक्टर नहीं डायरेक्टर नहीं असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर तो बोला कि सॉरी सर तो आएंगे नहीं आप चले जाओ तो मैंने कहा
अरे ऐसे कैसे हो गया मतलब, एंड आई वाज शूटिंग विद अ वेरी बिग स्टार इन दैट फिल्म. सो मैंने कहा कि ये क्या हो गया. तो देन दे वर लाइक नहीं नहीं सर तो अभी आएंगे नहीं, आप चले जाओ आप चले जाओ. मैंने कहा नहीं मैं वेट करती हूँ, कोई बात नहीं, लेट सर कम. बिकॉज आई हैड प्रेप फॉर दैट फिल्म फॉर 3 डेज बिफोर दैट. मैं उनके ऑफिस में बैठी हूँ घंटों घंटों घंटों, एंड ही वॉज अ वेरी बिग डायरेक्टर एंड दे वर नॉट ट्राइंग वेरी हार्ड टू टेल मी लॉट ऑफ थिंग्स इनडायरेक्टली, विच ऑब्वियसली आई डिडंट अंडरस्टैंड बिकॉज आई वॉज अ चाइल्ड. नाउ दैट आई नो ऑल दीज थिंग्स आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट. तो मैं बोली एकदम वहाँ पर, यू नो, हम मेरे पापा भी वहीं थे और फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं आप जाइए जाइए, तो ज़रा फोर्स करने लगे. तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है चले आते हैं. सो व्हेन वी वर लीविंग, एज वी वर लीविंग द डायरेक्टर केम एंड ही वॉज सो गिल्टी. तो मैंने कहा व्हाई इज ही सो गिल्टी. तो ही केम आउट एंड ही टोल्ड माई डैड लाइक सिकंदर भाई आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी बेटा. आई सेड व्हाट हैपेंड सर, मेरी शूटिंग कल है वो इसके लिए आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वो एक्चुअली हमने दूसरी कास्ट कर ली लड़की. तो आई वॉज लाइक ये कैसे हो गया, व्हाट डू यू मीन लाइक यू टुक माय स्क्रीन टेस्ट, आई वाज सिटिंग इन योर ऑफिस फॉर आवर्स, यू प्रेज्ड मी लाइक एनीथिंग, योर एंटायर कास्ट लाइक योर कैमरामैन, मतलब देयर वर 12 पीपल कास्टिंग मी, हाउ डिड दिस हैपन ओवरनाइट. वो प्रोड्यूसर्स वर लाइक दैट, यू नो दे नीडेड सम गर्ल लाइक दैट लाइक व्हाटएवर व्हाटएवर. एंड देन आई वाज जस्ट शॉक्ड. आई वेंट बैक that day I cried all the time and my dad was so strong. He was like koi baat nahi beta koi baat, we'll do it hum bahut bada naam karenge, don't worry. To aise karke hum chale aate the apne din hamare beech jaate the. But aisi bahut sari cheeze dekhi industry mein yaar, to chalta hai yahan pe hota hai, it's very normal. But that's the problem, it should not be so normal. Not be normal. Yeah. Awards. Oh, chits. We are talking about awards. So, yeah, these are some of my awards. कुछ मुझे best dressing के लिए मिले हैं. Most promising actress के लिए मिला है Black Swan. Then there are some aspiring. She was the most beautiful woman. There's a power brand that was the most stylish persona online. Then that this one. Brand Impact was also international quality award. These are like style icon of the year. So मुझे बड़ा शौक था. सबसे memorable कौन सा है इनमें से? वो तो एक ना जो दिल के, अविनाश ये सबसे ज़्यादा दिल के करीब है. You know मुझे ये वाला award मिला था जो मेरी mental health के लिए मुझे मिला था. Okay. तो ये award मुझे for excellence in mental health. Mental health. अरे ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है. मेरी एक्टिंग वाला जो सबसे ज़्यादा दिल की करी था वो मेरा पहला अवार्ड था जो टूट गया, जो मुझे बेस्ट फेस ऑफ द ईयर एंड बेस्ट अपकमिंग एक्ट्रेस के लिए मिला था. तो उसके बाद आई वुड से दिस वन बिकॉज एक्टिंग से तो पता नहीं मैंने क्या किया है, मतलब कितने लोगों को एंटरटेन किया है, बट ये करके मैंने कई जाने बचाई हैं और वो मुझे मेरे लिए बड़ी बड़ी बात है. अवार्ड्स को लेके एक चीज़ बहुत चलती है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि अवार्ड्स अब बिकने लगे हैं? अब क्या, बहुत साल से पहले बिकते हैं. शाहरुख खान ने तो मतलब आके ऊपर बोला था कि मैं तो अपने सारे अवार्ड खरीद लेता हूं. तो ही वाज वेरी ऑनेस्ट एंड डेयरिंग टू से दैट, बट ये तो तब से बिकते हैं. तो आपके साथ कभी हुआ कि एक परफॉर्मेंस दे दे तो आपको ये अवार्ड दे देंगे वो? जैसे मेरे से मैं बताता हूं, मैं हाल ही में भी राजीव खंडेलवाल के साथ बैठा बात की एंड ही टोल्ड मी कि अविनाश मेरे को था कि फलाना फलाना अवार्ड मिल रहा है और आप जीते हो. तो मैंने बोला कि मैं तो आ नहीं पाऊंगा, तो बोले अच्छा ठीक है, फिर वो अवार्ड किसी और को दे दिया. ऐसा होता है बहुत बार, आप अगर जा रहे हैं तो ही आपको अवार्ड देंगे, नहीं आप नहीं जा रहे हैं तो फिर आपको अवार्ड नहीं देंगे. सो आपकी प्रेजेंस इज लाइक अ बार्टर फॉर द अवार्ड, इट्स वेरी कॉमन. तो अवार्ड्स वो मोटिवेशन देते हैं कि अब तो बिल्कुल नहीं देते कि हां अब ये सिर्फ एक ठीक है पीस हो गया रख दिया. हां बिकॉज़ नाउडेज इफ यू सी द अवार्ड फंक्शंस, पहले के जमाने में जब अवार्ड दिया जाता था उस बंदे की इतनी इज्जत रिस्पेक्ट उसे दी जाती थी कि वो इतने लोगों में चुन के एक बंदा चूज किया गया है और उसको आप जब उसकी स्पीच सुनने के लिए लोग बेकरार होते थे. अब तो आइए ले लीजिए फोटो खिंचवाइए चले जाइए. आई एम जस्ट लाइक बॉगल्ड बिकॉज इतने अवार्ड फंक्शंस हो गए हैं. They've become like a money making thing. तो आप अच्छे कपड़े पहन के जाइए, आप रेड कार्पेट पे फोटो खिंचवाइए तो उनकी एक ब्रांडिंग हो जाएगी कि इतने स्टार्स हमारे रेड कार्पेट पे आए. अब जो आए उनको अवार्ड दे देते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए. मतलब कई बार तो मुझे जब फोन करते हुए किस लिए दे रहे हो, मैंने तो एक साल में काम ही नहीं किया, किस खुशी में दे रहे हो तुम मुझे? तो बोल देते हैं ऐसे भी नहीं, हम आपको स्पेशल आइकॉन का दे देते हैं. So then, because they want to have me, so correct. Okay, I understand. My fashion is, मतलब उससे काम का कोई लेना देना नहीं है. So then, this is how they give you award. I mean, that's a fact.
घर के आगे के हिस्से तो ये हमारी ये हमारी पैसेज है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे शैंडलियर्स लगे हैं। यस, ये भी टिमोथी वुल्टन की देन है। ये बड़ा खूबसूरत सेक्शन दिख रहा है। जी जी, ये हमारी मेमोरी वॉल है जहाँ पर हमने अपनी कुछ फेवरेट तस्वीरें लगाई हैं। ये हमारी शादी की फोटो है। ये करण है जिनसे मैं भी बात कर रही थी। ये हनीफ है, ये हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं। और मेरे कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, रवि हैं, जिनको आप जानते होंगे। ये जेम्स की फैमिली है पूरी। दैट्स माय नीस एंड नेफ्यू, दैट्स जेम्स डैड एंड मॉम। एंड दिस इज टेकन इन स्विट्जरलैंड। आई जस्ट थॉट लाइक aesthetically also this will look very good because this whole interior is done by me, so each and everything that I've chosen has a very spiritual meaning behind it. And this was like I must have been in some meditative moment in my life when James took this picture. So acha, ye jitni photos hain inme se kisi bhi photo ko koi kissa bataiye na. ye jo photo aap dekh rahe hain ye meri mummy ki hai. Aur meri mummy ki health jo hai pichle kai saalon se achhi nahi. हाँ। तो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती थी। वो मुझे हमेशा कहती थी बेटा मुझे दुबई तो देखना है क्योंकि मैं बहुत जाती थी दुबई और वो बिकॉज चल नहीं पाती थी ठीक से तो मैं कहती थी मम्मी आप जब ठीक हो जाओगे ना तो आपको दुबई लेके जाऊंगी। सो आई टुक हर देयर एंड वी टुक हर ऑन दिस यॉट एंड शी फेल्ट लाइक अ डॉन। लुक एट हर, लुक एट हर, कैसे बैठी हुई है इन गॉगल्स एंड फुल ऑन। एंड सो दिस वाज लाइक यू नो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप हमारा फैमिली वाला सीन था। And I think this is a very very precious memory for me. This is my entire family. Yeah. Agla. And that's my mom's room. Please come in. My mom and my niece and nephew, they stay here. So this is a simple bedroom that we have designed for them. और यहाँ से बड़े अच्छे से जो है हमारे plants दिखते हैं आपको, देखिए और दिखाते हैं। So each room in this this flat has the same view. And then we have these beautiful plants here. I love plants. अच्छा अभी ना आपके हम लोग स्टाइल की बात कर रहे थे ना वो अवार्ड के टाइम पे भी, तो आपका क्योंकि सोशल मीडिया इज लाइक कमाल है ना, फोटोज एंड ऑल बहुत वायरल होता है, आपका स्टाइल स्टेटमेंट लाइक द वे यू ड्रेस एंड ऑल एवरीथिंग इज लाइक अमेजिंग। कपड़े कहाँ रखे हैं? तो कपड़े मेरे दो कमरे में है। दूसरा वार्डरोब अभी रेडी नहीं, बट आई कैन शो यू हाफ ऑफ दिस वार्डरोब। सो हालांकि है ये मेरी मम्मी और बच्चों का रूम, बट अक्वायर मैंने किया है। So these are some of my dresses. Okay. जो यहाँ पे लगी हुई हैं. As you can see, a lot of my I love to wear short dresses, whatever summer dresses. These are all my summer dresses. और यहाँ पे कुछ summer dresses के sets भी होंगे. Yeah. So these are sets. So I keep them very like अच्छे से मैं जमा के रखती हूँ हर चीज़, ताकि मुझे जब भी चाहिए तो मिल जाए। हाँ, इधर उधर फैलाना तो हम लड़कों का काम है। नहीं, बड़ी लड़कियाँ भी फैलाती हैं। अच्छा ऐसा? हाँ हाँ हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड्स जब आती हैं यहाँ पे तो कहती हैं हाय कैसे तुम इतना रखती हो, हमें बड़ी तकलीफ होती है देख के। बट आई एम लाइक यू नो दिस हेल्प्स मी स्टे मेंटली क्लियर ऑल्सो, बिकॉज अगर आपका घर आपने कंपार्टमेंटलाइज ठीक से किया है ना, तो आप अपने दिमाग को भी कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं। सो मेरा दिमाग इतना क्लियर है इसलिए मेरे घर भी बहुत क्लीन और क्लियर मिलेगा आपको, कहीं पर भी कुछ कचरा नहीं होगा। सो एवरीथिंग इज वेरी क्लीन। सो मैं पहले बहुत ज़्यादा इंडियन कपड़े पहनती थी, सो उसके बाद में फिर मैंने थोड़े कम कर दिए। आई थिंक मैं अपनी दादी पे गई हूँ एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी दादी जो है, जब मैं बड़ी हुई तो मेरी दादी गुजर गई और जब मैं छोटी थी तो वो बायपोलर डिसऑर्डर था उनको, तो शी वॉज नॉट मेंटली ऑल देयर। बिकॉज उस जमाने में किसी को पता नहीं था मेंटल हेल्थ क्या होती है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, तो उनको सब पागल पागल कहते थे और वो या उनमें जिन है, वो उनमें घोस्ट है, ऐसे उनको पजेस कहते थे। तो उन्होंने पूरी लाइफ अपनी वैसे गुजारी। मेरी पूरी फिल्म ना बहुत, मेरी पूरी कहानी पूरी फिल्मी है बहुत, मतलब एकदम एंटरटेनमेंट। लिख रहे हो आप या इसको कब बना रहे हो? मैं जरूर लिखूंगी इसे, बिकॉज इतना कुछ मसाला है मेरे पास, कमाल का मसाला है भाई। एक चिट और मेरे को, अच्छा यहाँ कहाँ है, कहाँ रखी है तुमने भाई, ना छुपा छुपा के सब चिट्स रखी है मेरे घर में। देखो लवली लवली, ये क्या कहती है, चिट्स रिजेक्शन। यस, कितना मुश्किल होता है रिजेक्शन झेलना? बहुत मुश्किल होता है, कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि वो रिजेक्ट हो, बिकॉज एज ह्यूमंस हम सब चाहते हैं एक्सेप्टेंस बचपन से। आई फील लाइक हर चीज़ रिजेक्शन नहीं होती है, बहुत सारी बाउंड्रीज होती हैं जिसे हम रिजेक्शन समझते हैं। और हर चीज़ हमें, इतने ईगोइस्टिक होते हैं ना हम ह्यूमंस, हर चीज़ का हम खुद को श्रेय देते हैं, अच्छी हो चाहे बुरी हो। उसने मुझे नहीं टाइम दिया मतलब मुझ में कोई कमी है।
या उसने मुझे नहीं अप्रूव किया मतलब मुझ में कोई गड़बड़ है. देयर सो मेनी टाइम्स इन यू नो आई वुड नॉट गेट द रोल तो मुझे लगता था शायद मुझ में कोई कमी है, मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या मेरी एक्सेंट ठीक नहीं है, क्या मेरी बॉडी ठीक नहीं है, क्या मुझे ये ठीक नहीं है कि वो ठीक नहीं, इतने सारे डाउट्स आते थे दिमाग में. बट अब इतनी लाइफ सीख ली है कि अब नहीं लगता रिजेक्शन मुझे बिल्कुल. रीजंस बताते हैं? बहुत सारी बार नहीं बताते. दे जस्ट डोंट कॉल यू, व्हेन यू कॉल देम दे डोंट पिक अप योर कॉल, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम इन आवर इंडस्ट्री. वेरी सम पीपल आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड एंड देन दे जस्ट कैन थिंक ओनली दैट मच एंड देन सम ऑफ देम एक्चुअली टेक प्राइड इन दैट. दे थिंक दैट्स वेरी कूल, दैट्स वेरी आर्टिस्टिक. Artistic people are supposed to be like this. I don't think you have to be unkind. I think you can be kind in any way. You can just at least let the other person know, you know, ki nahi hua. Or but then they'll argue, अरे इतने लोग आते हैं हमारे पास, हम किसको किसको बताएं, किसको किसको बोलें. बट आप बुलाते हैं ना इतने लोगों, तो एटलीस्ट एक मैसेज कर दीजिए कि नहीं हुआ. और ये ना तो किसी को बोलना ही नहीं आता. तो मुझे पहले सिखाते थे ना मत बोलना. तो जब मैंने किसी को ना बोला ना स्क्रिप्ट के लिए, तो ऐसे गुस्सा होकर चले जाते थे मुझसे. मैं कह रही इसमें हमें बड़ी बात कर दी, मतलब मुझे नहीं पसंद आई आपकी स्क्रिप्ट, आई एम सो सॉरी, यू नो आई डोंट थिंक कि मैं फिट हूँ. ना कैसे बोल दिया, हाउ? तो मैंने कहा इज इट ओके कि मैं आपको चक्कर कटाऊँ रोज़ रोज़ और आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं और मैं आपके फ़ोन नहीं उठाऊँ और आपको रिस्पेक्ट नहीं दूँ, वो चलेगा? बट पीपल वर एट दैट टाइम वाकई में वो इस तरह से ट्रेंड थे कि उन्हें ना सुनना नहीं पसंद था. क्या खाना पसंद है? सब कुछ. हाँ मैं बहुत फूडी. ओके. आई लव फूड, आई लव हेल्दी बट गुड फूड, बिकॉज हमारे टेस्ट बड्स शुरू से राजस्थानी है ना, तो मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, बनाती हैं, तो शुरू से टेस्टी खाना चाहिए. वेलकम टू आवर किचन. सो यहाँ पे भी बालकनी है? हाँ जी, सब जगह हमने बैल्कनीज हमारी यहाँ पर जरूर है. तो दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस फ्लैट, कि यहाँ हर जगह बैल्कनीज हैं, बहुत सारा स्पेस है. और हमारा पपी भी है, अगर आपने देखा होगा उसे, तो उसे कैस्पर अभी तक दिखा नहीं ऑन स्क्रीन. आई थिंक वो सो गया, आई थिंक उन्होंने सुला दिया उसे, नहीं तो बीच बीच में आता रहता है वो, बिकॉज ही लव्स टू कम ऑन कैमरा. फुटेज चाहिए उसे. ऐसे बोलोगे ना कि फोटो खिंचाओ तो नहीं खिंचवाता है, बड़े नखरे करता है, लेकिन जब कोई शूट करने आता है तब उसे आना है कैमरा. आई डोंट नो व्हाई ही लव्स इट, उसको अटेंशन मिलता भी है, वो टचवुड है भी इतना प्यारा. सो दिस इज माय किचन, अगेन वेरी European inspired kitchen. I love this grey. Simple kitchen है. अच्छा जितना ये cutlery and all मेरे को दिख रहा है, please कह दो ये सब यहीं का है. कुछ कुछ होगा. ये भी बार का है. नहीं नहीं कुछ कुछ होगा यहाँ से. बहुत जैसे फ्रिज मैंने यही लिया है. और I think ये lamp मैंने यही से लिया है. वो fan भी मैंने यही से लिया है. नहीं वो fan नहीं. Casper is here. Oh my God, आपको मिस कर रहे थे. ओके कम यू से हाय, यू से हाय, से हेलो, हाय, से हेलो. प्लीज काटना मत ऑन स्क्रीन, बहुत बेइज्जती हो जाएगी. यस से हाय, से हाय बाबा. या हाय. ओह ओके, वर यू स्लीपिंग, वर यू स्लीपिंग, क्या है, वर यू स्लीपिंग बाबा. सो या बहुत सारी कटलरी आई एम श्योर यहीं से ली हुई है. बहुत सारी बाहर से भी ली है. ओके. खाना बनाते हो? बहुत कम. क्या बनाते हो? अंडा. ओके. वो बॉयल वाला ऐसे रख दिया, हो गया बॉयल. सॉरी बाबा, आई एम गोना लीव इट डाउन. नो नो, आई कैन एक्चुअली कुक व्हाटएवर आई वांट, आई जस्ट डोंट प्रेफर टू कुक. ओके. कि मेरे पास इतनी अच्छी कुक है भगवान की देवी, मैं मुझसे इसको भी पकाओ. क्योंकि एक बार मुझे सदमा पड़ गया था बचपन में, मुझे बड़ा शौक था पकाना सीखने का. ठीक है. और हमारा छोटा सा किचन हुआ करता था उस टाइम, तो पता नहीं क्या मैंने केक की कोई रेसिपी देखी और उसके लिए अवन वगैरह चाहिए था, बट मुझे समझ में नहीं आया अवन और माइक्रोवेव का डिफरेंस. मैंने माइक्रोवेव में पका दिया उसको. सबको मैंने बाहर निकाल दिया. मैंने कहा बाहर रहना, आज मैं केक बनाऊंगी. मैं फैमिली से लाइक क्या बना रही है, चार घंटे से कुछ तो बना रही है, पता नहीं क्या बना रही है, कुछ तो पक रहा है. दैट केक मैं देखा उसको माइक्रोवेव में अंदर, लाइट में से फूका वो फूका. मैंने कहा वाओ, इट्स हैपनिंग. एंड देन उसके बाद वो ठुस करके बैठ गया. जब मैंने बाहर निकाला तो बाटा की चप्पल जो होती है ना उसके माई मॉम एंड एवरीबॉडी वाज मेकिंग फन ऑफ मी, लाइक नॉट मेकिंग फन फन, बट लाइक कोई बात नहीं बेटा, होता है ना. लाइक नो, नेवर गेटिंग इनटू द किचन अगेन. तो बस ठीक है, तो हम लोग चलते हैं लिविंग रूम में जी. और वहां पहुंचने के साथ मैं बात करना चाहूंगा आपके साथ अबाउट मेंटल हेल्थ. यस कम.
चलो लेट्स टॉक मेंटल हेल्थ कैस्पर. ही इज द बिगेस्ट बेस्टेस्ट गिफ्ट फॉर मेंटल हेल्थ. इफ पीपल लाइक इफ यू ऑल आर फीलिंग लो व्हाटएवर जस्ट गेट अ पेट. I do have one. You have one? And have you seen changes in your life? I mean, they bring so much joy. So much joy. I mean, look at them. But you look at them and you say, day is good. Everything is good. I mean, they have such positivity, such love to give. So, yeah. Mentally, have you ever had a breakdown? That moment has come? Oh, a lot of times. I was in severe depression. कितने साल पहले यार जेम्स मुझे मिले 10 साल ऑलमोस्ट 15 साल पहले. आई वाज वेरी बैडली आई हैड वेरी लाइक सीवियर डिप्रेशन बाइपोलर डिसऑर्डर. तब मुझे पता चला कि मेरी दादी को बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता था बिकॉज वो जेनेटिकली आप में आता है. एंड तब मुझे पता चला कि वो जो हरकतें करती थी जिसे लोग कहते थे इनमें जिन आ गया है, भूत प्रेत आत्मा, वो मैंने किए हैं. और क्योंकि मैं समझदार हूँ और मुझे आज की दुनिया के बारे में पता है और मुझे पता है कि मुझ में कोई भूत वूत नहीं था. आई वॉज जस्ट फीलिंग दैट सर्ज ऑफ एनर्जी एंड आई कुड पिक अप थिंग्स एंड थ्रो देम. आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ शफलिंग द एनर्जी इन टू विच एवर मोड यू वॉन्ट और यू लाइक. That's when I actually understood कि भाई everything is energy and अगर आप अपनी energy गुस्से में लगाएंगे या sadness में लगाएंगे या attention उसमें लगाएंगे तो अब वही आपके साथ ज़्यादा होगा. So that way बहुत बुरा. तभी मैंने इंडस्ट्री सारी छोड़ दी थी. मैंने फिल्में करनी बंद कर दी. मैंने किस वजह से लेकिन डिप्रेशन में गए थे? तो डिप्रेशन की कोई एक वजह नहीं होती है. डिप्रेशन इज अ वेरी लेयर्ड आई वोंट कॉल इट एन इलनेस. इट्स जस्ट मेंटल कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज आपके दिमाग में कई ऐसे जंबल्ड अप थॉट्स होते हैं जो आपको एक पर्टिकुलर इमोशन आपके अंदर पैदा करते हैं. अब अगर वो इमोशन सैडनेस का है और आप उससे अटैच हो जाते हैं और वो रोज रोज आपको उतनी सैडनेस दे रहा है, इतना सैडनेस जैसे कोई मर गया है. यू लिटरली लाइक आई वॉज इन टू दैट. आई वॉज स्टक मेंटली कि मेरा कोई मर गया है. सो एंड देन यू क्राई लाइक दैट ऑल्सो. यू हाउल एंड यू क्राई एवरी डे एंड यू हैव नो आइडिया व्हाई दिस इज हैपनिंग. सुसाइडल थॉट्स आते थे? एब्सोल्युटली. आई डिड ट्राई टू कमिट सुसाइड. व्हाट? एंड आई वाज सेव्ड बाय माय फैमिली. या या. सो व्हेन आई केम बैक आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन दैट व्हाई डिड यू ब्रिंग मी बैक. बिकॉज बिफोर गोइंग आई हैड अ चैट विद गॉड. आई वाज लाइक लिसन आई डोंट लाइक दिस रोल. इट्स वेरी पीपल प्लीजिंग एंड आई कांट डू दिस एनीमोर एंड आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग व्हाटएवर. सो आई वांट टू कम बैक एज समबडी एल्स. राइट? सो लेट्स मेक अ डील. I'm committing suicide now. So you give me another birth. It's a comedy in everything in my life. So then I took a lot of sleeping pills and I slept. And then I think while I was asleep, I was a very responsible child. I still am. I think I sent my bank details to my brother. मुझे याद भी नहीं है मैंने कब वो मैसेज भेजा. But वो कहीं शादी में था टाउन में and he read it and he's like, why is Appa sending me this bank detail right now? तो mom कुरान पढ़ रही थी और वो उनको मैं बाय बोल चुकी थी कुछ 4 घंटे पहले. और मैं कहा मम्मी मैं बहुत थक गई हूँ मुझे उठाना मत. उनको भी लगा कि थक गई होगी सो रही होगी. तो मम्मी मेरी बहुत लंबी टाइम तक कुरान पढ़ती हैं. वो 4-5 घंटे पढ़ लेती हैं. तो जब भाई का फ़ोन आया कि मम्मी आपा कहाँ हैं तो उनने बोला सो रही हैं. तो बोले कितनी देर से सो रही हैं तो ये मैसेज कहाँ से आया? सो मम्मी मुझे क्या पता वो तो सो ही रही है कब से. बड़ी गहरी नींद में सो रही है ऐसा लग रहा है. देन दे गॉट ऑल चार्ज एंड देयर लाइक उनको उठाओ जाके वो मुझे ऐसे मैसेज शुरू कर रही है. देन जब उन्होंने उठाया तो मैं उठू ना. फिर सारे लोग आ गए भाग भाग के. देन आई रिमेंबर फ्लैशेज व्हेन दे वर ट्राइंग टू पिक मी अप एंड आई वाज लाइक अ डेड मीट. तो 6-6 लोग मिलके नहीं उठा पा रहे थे. सो देन दे टुक मी टू अ नियरेस्ट हॉस्पिटल एंड द हॉस्पिटल वुडंट टेक मी बिकॉज दे वर लाइक ये तो सुसाइडल केस लगता है. एंड माई फ्रेंड यू नो स्पोक टू अ हवलदार और द पुलिस यू नो ओवर देयर एंड ही सेड सर इसकी जान चली जाएगी. आई थिंक शी एट समथिंग रॉन्ग और वो उसका पॉइजन फैल गया. उसको भी नहीं पता था कि हुआ क्या है. बट मेरे फ्रेंड वगैरह सब भाग के आ गए कि कुछ तो हो गया है. तो ही सेड आई थिंक शी एट समथिंग रॉन्ग. सर प्लीज़ हॉस्पिटल को बोलिए इसको ले तो सही अंदर. देन दे टुक अस एट लेट नाइट. मतलब तब रात के 2-3 बज गए थे. एंड देन ऑल नाइट दे रिमूव द पॉइजन एंड आई वॉज रिवाइव द नेक्स्ट डे. सो दैट वॉज अ वेरी that whole patch I would say for a few years 2-3 years of my life were very 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 hard. like I didn't know what to do with myself. I didn't know ki subah uth ke karna kya hai. kahin jaane ka mann nahi karta tha. dosti yaari chhoot gayi thi. main kisi se baat nahi karti thi. I used to just lock myself in the room.
जस्ट वुड स्लीप ऑल डे एंड वुड क्राई ऑल डे लाइक कोई मर गया है मेरा. तो वो मुझे लगता था मैं मर गई अंदर से, यू नो, बिकॉज देयर सो मच एम्प्टीनेस, सो मच सैडनेस आई हैड अटैच माई सेल्फ टू. एंड आई गेव दैट सो मच इम्पोर्टेंस दैट इवन मेरे सराउंडिंग लोग, उनकी हरकतें वैसी ही हो गई जो उसमें और फ्यूल डाले. उस वक्त मुझे पता नहीं था कि आप अपनी सारी सिचुएशन खुद मैनिफेस्ट करते हैं. तो मुझे लगता था दुनिया वैसी है, दुनिया ये है, दुनिया वो है, फलाना ढिमकाना. एंड इट्स ऑलवेज, जब आप स्पिरिचुअल रास्ते पे होते हैं ना, तो आपकी पहली जर्नी हमेशा यही सिखाती है कि दुनिया में प्रॉब्लम है. फिर आप जब खुद की तरफ आते हैं तो समझ में आता है, ओ प्रॉब्लम तो इधर है, इधर है, पहले इसको ठीक करो. इसको ठीक करोगे तो बाकी सब अपने आप अच्छा हो जाएगा. सो बट टू लर्न दैट इट took me a long time. And that's when this happened. That's when I'd stopped doing everything. I mean, at the top of my career, I just left everything. I just couldn't work. मुझे लगता था सब झूठे हैं, मुझे काम ही नहीं करना. तो that was a hard time. Are you okay? Yeah, I am okay. But honestly saying, मैं जब उस दरवाजे से एंटर हुआ था तो जिस क्षमा को मैं जानता था, और जब मैं इस दरवाजे से जाऊंगा तो मैं एक अलग पर्सनालिटी अपने साथ लेके जाऊंगा, एक अलग शख्सियत लेके जाऊंगा जिससे मैं मिला. जी मैं क्योंकि बात कर रहा हूँ, आई थिंक तो ये मैं चीज समझ पा रहा हूँ, और इंडस्ट्री आपने देखी है, मैंने भी थोड़ी बहुत देखी है, जो नए लोग हैं स्पेसिफिकली लड़कियाँ, लाइक डू यू हैव एनी सजेशन फॉर देम कि यार इफ यू आर कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, ये चीजें करना और ये चीजों का बहुत ध्यान रखना. पहली बात In context of mental health also. Sure. See, अभी चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं. लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं. आजकल की लैंग्वेज, आजकल इतनी इंटरनेट ने इतना सारा नॉलेज सब में डिस्पर्स किया है. प्लस हम लोग बहुत बात करते हैं इसके बारे में, या मेरे जैसे और भी कई आर्टिस्ट हैं जो आके खुल के बात करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है. तो जो स्टिग्मा था मेंटल हेल्थ के अराउंड, वो काफी हद तक कम हो गया है. पहले तो लोगों को लगता था, अरे पागल है क्या, ऐसे कोई बात नहीं करता, काम नहीं देंगे तुमको कोई, ये वो सब. बट नाउ पीपल अंडरस्टैंड कि भाई एवरीबडी इज गोइंग थ्रू समथिंग और द अदर. इट्स एज नॉर्मल एज तुमको छींक आती है, तुमको सर्दी होती है, तुम जाते हो ना डॉक्टर के पास दवाई लेने. तो तुमको मेंटल अगर कोई छींक आ रही है, सर दिमाग में सर्दी हुई है, तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हारे दिमाग में अगर कोई थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है, तो तुम क्यों किसी साइकाइट्रिस्ट से बात नहीं कर रहे हो? ताकि वो तुम्हारे एटलीस्ट दिमाग के जो जंबल्ड अप थॉट्स का जो एक गांठ बन गया है, उसको खोल दे. आप जिस तरीके से अपनी जिंदगी को देखेंगे, आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही आपके लिए होगी. फिर आप जैसे जैसे और ज़्यादा सीखेंगे, आपको समझ में आएगा कि सब कुछ आपके हाथ में है. अगर आप चूज़ करते हैं, एक मोमेंट में जब कोई थॉट आता है, अगर वो नेगेटिव थॉट है या पॉजिटिव थॉट है, उसे देखकर उसे किस दिशा में ले जाना है, उससे बात करके उसे थैंक यू बोल के कि थैंक यू यार, तू मुझे बता रहा है कि आई नो यहाँ पे ख़तरा हो सकता है, आई नो, बट डोंट वरी, यहाँ कोई ख़तरा नहीं है. मैं उन लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि पहली बार अगर आप इस लाइन में आ रही हैं, तो अपनी मर्जी से आइए. पहले ये समझ लीजिए कि आपको एक एक्टर बनना है. क्योंकि अगर आपको ये नहीं बनना है और आप किसी फोर्स से आ रही हैं या किसी दूसरी वजह से आ रही हैं, तो मत आइए. अपने अंदर उस चीज़ को ढूंढिए जो आप सच में करना पसंद करते हैं, तो आप उसमें ज़्यादा खुश रहेंगे. सेकेंडली, अगर आप यहाँ आती हैं, अगर आपने अपना मन बना लिया कि मुझे एक्टर ही बनना है, तो मेंटल हेल्थ के लिए प्लीज़ हैव स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज. Everybody will respect you. It's not like कि तुम ऐसे रहोगी तो ऐसे नहीं होगा. हाँ तो नहीं होगा तो कोई बात नहीं ना, ठीक है. या तो आप मैनिपुलेशन की मास्टर हों और आप बहुत अच्छा मैनिपुलेशन करना जानती हैं, तो फिर आप करिए मैनिपुलेशन. बट ये भी ध्यान रखिए कि मैनिपुलेशन बाई द एंड ऑफ द डे इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. वो खत्म होता है, वो आपको तकलीफ देता ही है. तो तकलीफ हर जगह है. देखो भाई, अच्छा होके भी तकलीफ है, बुरा होके भी तकलीफ है. तुम अपनी तकलीफ समझ लो, तुम अपना समझ लो कि तुमको क्या ठीक लगता है. मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, और ये लगता ही नहीं है, मेरी जानकारी है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है. तो मेरे लिए अच्छे कर्म बहुत मैटर करते हैं, तो मेरे लिए बाउंड्रीज बहुत मैटर करती है, मेरे लिए ऑथेंटिसिटी बहुत मैटर करती है, सिंप्लिसिटी बहुत मैटर करती है. तो मैं उन्हीं चीज़ों को जो है जहाँ पर भी जाती हूँ, मैं अपने साथ रखती हूँ. और आई एम वेरी वेरी स्ट्रांग विद माई बाउंड्रीज. ऑफकोर्स लोग आप पे पासिस मारेंगे, उनका तो काम है. एक खूबसूरत लड़की है, उसे कोई भी यू नो पासिस मारेगा उस पर. बट नॉट दैट, नॉट अदरवाइज. आई मीन टू से दैट ऐसा हो सकता है आपके साथ कि कोई यू नो आपको पसंद करे और आपको कुछ बोले. यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू. अगर आप नहीं पसंद करती हैं, प्लीज़ बोल दीजिए. अगर आपको कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मना कर दीजिए उन्हें. आप भी उनको अलाउ करते हैं, फिर वो धीरे धीरे तो फिर वो कुछ ना कुछ तो
बढ़ेगा ही वो आगे बात, तो आप पहले ही मना कर दीजिए, मत करिए. सेट योर बाउंड्रीज. एब्सोल्युटली सेट योर बाउंड्रीज. हैव वेरी वेरी स्ट्रांग बाउंड्रीज एंड पीपल विल से व्हाटएवर दे विल से बट दे विल कम अराउंड बिकॉज आई हैव सीन पीपल कम अराउंड व्हाट आई यूज्ड टू से. नाउ टुडे दे आर सेइंग द सेम थिंग. सो इट विल हैपन एंड स्टे स्ट्रांग. मुझे संजय खान साहब ने बड़ा सिखाया था. इस लाइन में ना किसी को ज्यादा भाव मत दिया. अच्छा. मैंने कहा है सर क्या कह रहे हो आप. कहते हैं नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूँ, इतनी खूबसूरत हो तुम, किसी को भाव मत देना यहाँ पे, जितना भाव नहीं दोगे उतने तुम्हारे पीछे पड़ेंगे. बिकॉज ही सेड आई कैन सी यू, यू आर सच अ नाइस गर्ल, यू आर लाइक यस सर जी सर यस सर, डोंट बी लाइक दिस. एंड आई वाज लाफिंग. ही सेड अरे तुम हंस रही हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. बहुत 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 थैंक यू मोस्ट इस बातचीत के लिए. लाइक वी टॉक्ड अबाउट सिनेमा, मेंटल हेल्थ, कास्टिंग, कैस्पर, लाइक वी टॉक्ड सो मच. आखिरी सवाल इस बातचीत का, क्योंकि आपने अपना हमें इतना ब्यूटीफुल घर भी दिखाया, तो इस घर में एक नॉन लिविंग थिंग है ना, क्योंकि ऐसा ना बोल दो मैं, तो इस घर में एक सबसे महंगी चीज क्या है और सबसे सस्ती चीज क्या है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी. इसलिए मैंने पहली नॉन लिविंग थिंग लगा दी. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी सबसे महंगी क्या है? आराम तो सोचना पड़ेगा. आई थिंक ये डाइनिंग टेबल. ओके ठीक है. और सबसे सस्ता? सबसे सस्ता अगर इनके कंपैरिजन में करेंगे तो मैं आई थिंक दिस कैंडल. ओके बिकॉज़ इट्स स्मॉल. आई थिंक दिस इज द चीपेस्ट और मेबी दीस फ्लावर्स. मेबी करेक्ट. हां यू नो बट या काफ़ी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर. मुझे शौक है यार बहुत लाइफ को अच्छे से जीने का. मैं ओशो की बड़ी फैन थी और वो कहते थे कि स्पिरिचुअल हुआ होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप बोरिंग छोड़ दो. करेक्ट. यू नो एंजॉय दिस इफ गॉड इज गिविंग यू एंड गॉड इज वेरी वेरी काइंड टू मी. आई हैव रियली स्ट्रगल्ड माई एस ऑफ टू बी हियर एंड आई एम रियली यू नो रिसीविंग ऑल दिस ब्यूटी दैट ही इज गिविंग मी टूडे. इट्स लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड वॉट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड देन जस्ट लिव दैट. With strong boundaries, with no shame, just live that. Hello, cuddle bug. I think आज के लिए हमने बहुत बोल दिया. At the end, I just want to say thank you so much. आपने मुस्कुराते हुए बहुत सारी इतनी गहरी deep बातें हम लोगों को बताईं that really matters a lot. Thank you. Not just in context of cinema, but as a person, as an individual also. Yeah, yeah. So thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you for having me. I really really enjoy talking to you and you asked me some very relevant questions. So thank you for that. Thank you so much. Thank you. Hi, I'm Shama Sikandar and you're watching me on Bollywood Bubble.